हाय गाइस, वेलकम टू द कोर्स। आज के सिलेक्शन में मैं बात करने वाला हूँ यूट्यूब चैनल डिस्क्रिप्शन के बारे में। यस, चैनल डिस्क्रिप्शन जो आपके चैनल को डिस्क्राइब करेगा। ऐसा क्या आपको लिखना है कि जो आपके चैनल को बिल्कुल सही तरीके से डिस्क्राइब करे, और वो कहाँ पर जाके आपको लिखना है, कहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन एडिटिंग अवेलेबल होगी और किस तरीके से आपको लिखना है, ये सारा कुछ मैं इस लेक्चर में आपको बताने वाला हूँ। पिछले लेक्चर में हमने यहाँ पे चैनल आर्ट सेव किया था, उसके बाद इसी स्क्रीन पर अबाउट पर क्लिक करना है आपको। अबाउट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन लिखा है, तो इसमें आपको वो सब कुछ लिख देना है अपने चैनल के बारे में, जो कि अगर कोई नया बंदा आया आपके चैनल के बारे में जानता हो। क्या क्या लिख सकते हैं आप, क्या इस चैनल पर क्या आएगा, डेली वीडियोज़ आती हैं या वीकली आती हैं, उसमें वो लिख सकते हैं आप। आप ये लिख सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर डे पर अलग वीडियोज़ आती हैं, जैसे कि किसी दिन आप Q&A करते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं किसी पर्टिकुलर डे। और आप अपने बारे में भी लिख सकते हैं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, कि आप, जैसे कि मैं गाज़ियाबाद UP में रहता हूँ, तो आप ऐसा कुछ लिख सकते हैं कि आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम गाज़ियाबाद, जहाँ से भी आप रहते हैं, जहाँ पर भी आप रहते हैं वहाँ का आप लिख सकते हैं। यानी कि अपने एक नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, ताकि व्यूवर्स को एक आइडिया लग जाए आपके चैनल के बारे में। क्योंकि यार, बंदा जब से कोई भी आपके चैनल पर विजिट करता है, वो अबाउट में जरूर जाता है। तो आपका डिस्क्रिप्शन दिखेगा, आपने लिख रखा है, तो एक लगेगा कि अपना चैनल इसने प्रिपेयर कर रखा है, अच्छे से कर रखा है, सही। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, फिर आई एम फ्रॉम दिल्ली। फॉर बिजनेस इंक्वायरीज, यस, आप अपना ईमेल भी दे सकते हैं, अगर आपसे कोई कॉन्टैक्ट करना चाहे तो कॉन्टैक्ट कर सकता है। मैंने यहाँ पे अपना वही ईमेल लिख देता हूँ मैं, जो कि अभी बनाया था जब हमने फर्स्ट लेक्चर में। ईमेल लिखने के बाद आप सेव कर लीजिए, डन कर दीजिए। डन करने के बाद आप नीचे देखिए, यहाँ पे लिखा है फॉर बिजनेस इंक्वायरीज ईमेल, तो यहाँ पे आप ईमेल डाल सकते हैं। यस, ऊपर भी मैंने डिस्क्रिप्शन में भी ईमेल डाल दिया, यस, वहाँ पे भी अलाउड होता है डालना, और आप यहाँ पे भी डाल सकते हैं। यहाँ पे तो इन्होंने खुद ही ऑप्शन दिया कि यहाँ पे लिख दीजिए, वैसे आप डिस्क्रिप्शन में लिखें तो भी अच्छा रहता है। यहाँ पे मैंने फिर से वही अपना लिख दिया, उसको लिखने के बाद सेव कर दूंगा। अब अगला ऑप्शन है लोकेशन, लोकेशन डाल दीजिए कि आप कहाँ पे रहें, इंडिया। इसके बाद ये लिंक्स बोल रहा है, लिंक्स आपको वही अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक डालने हैं। आप देख सकते हैं इसने यहाँ पे एक चीज़ लिख रखी है कि ओवरले फर्स्ट, तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट 5, यानी कि आप 5 डिटेल्स जब अपने डालेंगे तो वो यहाँ पे आपको दिखेंगी चैनल आर्ट के। यहाँ पे चलिए मैं आपको अभी करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से दिखेंगी। ऐड कीजिए, पहले मैं फेसबुक की डिटेल्स डाल देता हूँ, फेसबुक। और यहाँ पे सामने मुझे URL डालना है, अपनी प्रोफाइल में जाना है, फेसबुक की प्रोफाइल में, और वहाँ से जो उसका ऊपर का URL होगा उसको कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देना है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, फेसबुक पे गया मैं, फिर मैं अपनी प्रोफाइल में जाऊँगा, प्रोफाइल में जाने के बाद मैं अब अपना ये जो ऊपर वाला जो URL है इसको कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद YouTube में जाकर मैं पेस्ट कर दूंगा। इसी तरीके से मैं अपने ट्विटर का भी डाल सकता हूँ, इंस्टाग्राम का भी डाल सकता हूँ। यहाँ पे URL डालना है ट्विटर पे जाके आपको, अब इंस्टाग्राम का डाला, सिमिलरली इंस्टाग्राम का डालना है। तो मैं अभी सिर्फ फेसबुक का आपको करके दिखा रहा हूँ, तो इसलिए मैं बाकी दो अभी डिलीट कर देता हूँ और इसको डन कर देता हूँ। हो गया, आप देख सकते हैं। तो मैं आपको ऊपर जाके दिखाता हूँ कि कैसे दिख रहा है चैनल आर्ट के वहाँ पे। यस, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से आप अपने और सोशल मीडिया के यहाँ पर रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं। तो ये था कंप्लीट इस बारे में, डिस्क्रिप्शन अच्छे से डालिए। तो आई होप कि आप सीख गए होंगे कि कैसे आप अपने YouTube चैनल का डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, और आपके चैनल के लिए कौन सा डिस्क्रिप्शन सुटेबल रहेगा, ये भी आइडिया आपके मन में आ गया होगा। तो यही था इस लेक्चर में।